सो गाइस हम वीआईपी लाइन में लगे हुए हैं, अभी आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है तो बंद कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर पुलिस भी आई है, देखो पकड़ के ले जा रही है जिसके दुकान में बाहर सामान है। सो गाइस ये देखो यार, यहाँ पर मतलब पुलिस के डर से सारे लोग बंद कर रहे हैं दुकान और किसी की। सो भाई साहब भीग गए बिल्कुल ही, इसको देखो मोबाइल भी गीला हो रहा है तो कट कट के आ रहा है वीडियो। सो जोर से भूख लग रही है और समोसा ले लिया यहाँ पे। जतिन को देखो खा रहा है, मेरा दोस्त, हमारे एक क्लास का दोस्त है मेरे, जो 12th और 11th में हम एक साथ ही पढ़े। हे गाइस कैसे हो आप लोग, एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सबका। सो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना सीकर में, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो मेरे को बनाने। इस ब्लॉग में आपको पूरा फुल टूर दिखाऊंगा खाटू श्याम जी का और सीकर का, जाऊँगा जहाँ जहाँ हो सके वहाँ तक वीडियो बनाऊँगा मैं। सो गाइस प्लीज़ आपका एक सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए प्लीज़, तो नए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस ये है सिंधी कैंप और यहाँ से बस मिलता है सीकर जाने के लिए। तो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और बस में ही बैठ गए, तो यहाँ से आप जा सकते हो। देखो बस चलने लगी है, तो यहाँ से 120 रुपये का टिकट लगेगा आपको सीकर जाने के लिए। तो चलो चलते हैं। गाइस हम सीकर आ गए हैं, ये देखो यार यहाँ का माहौल, सीकर घूमने वाले हैं पूरा। तो आज खाटू श्याम जी को जाएंगे पहले, इसके बाद और भी देखेंगे कहाँ कहाँ जगह जाना है, उसके बाद देखेंगे। तो चलो ये देखो यहाँ का माहौल। सो गाइस जयपुर से हम निकले थे 9 बजे और 11 बजे पहुँचे यहाँ पर। 2 घंटे का सफ़र था, 126 किलोमीटर दूर था जो सीकर, और रिंगस में उतर गए, वहाँ से जीप पकड़ लिया। तो ये हम जा रहे हैं अब फाइनली खाटू श्याम जी के दरबार में, वहाँ पर जाकर आपसे बात करते हैं। तो इस प्रकार का रास्ता देखो कितना शानदार रास्ता है। सो गाइस मैं आ गया हूँ खाटू श्याम जी के, वहाँ से 19 किलोमीटर का रास्ता है और इधर मैं आ गया हूँ अभी। तो अभी मंदिर में जाएंगे और दर्शन भी करेंगे, फिर आज पूरा दिन घूमेंगे सीकर में। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है घूमने के लिए और देखने के लिए। तो चलो अभी दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पर, क्राउड भी कम लग रही है यार आज, क्योंकि बंद कर रहे हैं दुकान जल्दी जल्दी। सो गाइज़ यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप खाना भी खा सकते हैं यहाँ पर जब आएंगे ना खाटू श्याम जी। और ये मेरा दोस्त जतिन, तो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं यार, तो आज प्लान बन गया खाटू श्याम जी घूमने का। तो आ गए यहाँ पर, ये देखो दुकान वकान कैसे हैं, कपड़ों की दुकान भी है यहाँ पर। और सो अब देखो क्राउड भाई, अभी क्राउड ज़्यादा है, उधर तो ज़्यादा था ही नहीं, यहाँ पर होटल है तो खा सकते हैं खाना वाना। और मेरा दोस्त है मेरे साथ आज। ये प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर फोटोज भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। देखो भाई मार्केट कुछ इस प्रकार का दिखता है यहाँ का मार्केट, पिछली बार भी दिखाया था आपको लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाया था। चप्पल उप्पल आपको मिलेंगे, मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी। क्या दिखा रहे हैं सांप लेकर के, ओ भाई सांप लेकर आया नहीं, मामा लेगी वहाँ पे तो। तो भाई मंदिर के पास पहुँच गए, जूता यहाँ निकाल लेते हैं और यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद ले लिया यहाँ से तो, और अब चलते हैं मंदिर में। सुबह इस प्रसाद ले लिया और पिछली बार जब आया था ना तो मंदिर 4 बजे खुला था, लेकिन अभी 11 बज रहा है, अभी से दर्शन स्टार्ट है। अभी चलो डायरेक्टली पहले मंदिर में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर कौन गए वहाँ पर ही चलेंगे। कितने का देता
तो भाई साहब यहाँ पर है कुंड, इधर से मैं पिछली बार दिखाया था, इधर ये कुंड और इधर से रास्ता है अंदर जाने का मंदिर से। तो गाइज आ गए हैं मंदिर के अंदर, यहाँ से एंट्री होती है और आज तो कम लग रहा है क्राउड क्योंकि जल्दी खोल दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर इतना क्राउड था ना, 2-3 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, तो इस वजह से प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया है यहाँ पर। तो चलो गाइज इस बार इजीली आ गया मैं अंदर, क्योंकि पिछली बार तो यार हालत ख़राब। बाकी गाइज ये देखो अभी आसानी से लोग जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मंदिर में आरती स्टार्ट हुई है, तो सारे लोग यहीं पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर देखो अभी ऊपर पंखाओं का भी चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद फिर चलेंगे मंदिर में, पास में ही आ गए हम। सो गाइस हम VIP लाइन में लगे हुए हैं, अभी आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं तो बंद कर लेता हूँ मैं। भाई अभी दर्शन हो गया, अभी जा रहे हैं हम बाहर, इधर से रास्ता है जाने का। बाकी ये देखो नगर निगम वाले यहाँ पर आए हैं, जो भी रोड पे है ना ये लगा रहा है ठेले वेले, वो सब लेके जा रहे हैं घर। ये देखो ट्रॉली पे लेके जा रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है और चेक कर रही है एक एक दुकान पर कि कौन बाहर निकाला है, और जिसका भी बाहर सामान है उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। यह है सीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो भाई साहब कुंड के पास आ गया हूँ मैं, और जैसे कि पिछले बार दिखाया था मैं आपको, बारिश भी आ गई और ये देखो। तो भाई खाटू श्याम जी यहीं से प्रकट हुए थे और यहाँ पर कुंड बन गया। दर्शन कर लिया, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे, अभी भूख लग रही है, बारिश देखो बारिश हो गया है। अभी भी लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, इधर देखो दुकानें हैं। तो गाइस ये देखो यार यहाँ पर मतलब पुलिस के डर से सारे लोग बंद कर रहे हैं दुकान, और किसी की बाहर आ जाएगी ना उसके लिए सबको मार रहे हैं पुलिस वाले, और बारिश देखो यार। सो भाई साहब भीग गए हैं बिल्कुल ही, इसको देखो मोबाइल भी गीला हो रहा है तो कट कट के आ रहा है वीडियो। सो अभी मिला नहीं कुछ खाने के लिए इधर, देखते हैं जल्दी निकल रहे हैं यार। सो गाइस ये देखो गेट है ये मेन जो श्री श्याम बाबा का, और यहाँ पर कुछ मिलेगा खाने के लिए चौरा ये सीकर का फेमस जगह है। आ गए यहाँ पर और यहाँ से कुछ खाते हैं, देखते क्या क्या मिलता है। देखो पीछे कितना भीड़ है, भाई यहाँ से ले लेते हैं यार समोसा वोसा, जोर से भूख लग रही है और समोसा ले लिया यहाँ पे यार। समोसा मिला है खाने के लिए, जतिन को देखो खा रहा है मेरा दोस्त, हमारे एक क्लास का दोस्त है मेरे जो 12th और 11th में हम एक साथ ही पढ़े एक ही स्कूल से, तो देखो अभी यहाँ पर समोसा वमोसा खा के फिर निकलेंगे, देखते हैं कहाँ और निकलेंगे। सो गाइस यार खाना वाना खा लिया और मज़ा आ गया यार, अभी भूख लग रही थी भूख मिट गया। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अभी और भी वीडियोस आपको आएंगे सीकर के, तो दूसरी जगह जा रहा हूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से यहीं एंड करता हूँ। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कॉमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीकर के, अभी जाना है एक जगह और, तो वहाँ पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।